हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी अपने ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया है, बट ऑनलाइन क्लासेस में भी ऑनलाइन कंटेंट आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप जब चाहे कोई भी डाउट हो तो आप ये वीडियोस देख के क्लियर कर सकें, क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है जिससे आजकल क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, साइंस से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। सो बेटर है कि इसको आप कॉन्टेंट जो है आपको ऑफलाइन तो मिल ही चुका है, ऑनलाइन भी मिल जाए, अवेलेबल रहे आपके पास, तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बेसिक हम एक डेवलपमेंट, एक पूरी बॉडी का, एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट उसे पढ़ते हैं। ये डेवलपमेंट की बात जो है ये स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन से लेकर फर्दर एडल्टहुड तक। ठीक है, ये जो है डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। अब यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ फेज होते हैं जिसमें वन बाय वन करके एक के बाद एक कुछ प्रोसेसेस आते जाते हैं और जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे एक टर्म की बात करेंगे, दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। एक टर्म की बात करेंगे, दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। यहाँ जेनेसिस का मतलब है जनरेशन, फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के स्टेजेस फर्टिलाइजेशन से बर्थ के बीच के जो स्टेजेस हैं उनको हम एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, दे आर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ, बर्थ और फर्टिलाइजेशन के बीच का प्रोसेस, बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने से लेकर बर्थ होने तक के बीच में जितने भी प्रोसेसेस आते हैं उन सब को कलेक्टिवली मिला के हम एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना। फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ इज नोन एज कलेक्टिवली कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक, अब बात करते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेज हो सकते हैं या फिर होते हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो हम आगे की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जाइगोट बनेगा तभी तो जाके उससे एम्ब्रायो बनेगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है जरूरी फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज होना जरूरी है, जाइगोट बनना जरूरी है, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनने का जरूरत है, तब जाके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद बात होती है फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना वो जब मैच्योर हो जाएगा उसके बाद उसका क्लीवेज होना, मतलब जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल से हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर बनाना है तो हमें उस सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी है, और सेल डिवीज़न के लिए फर्टिलाइजेशन के केस में या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के केस में इसको हम बोलते हैं क्लीवेज, जो कि एक प्रकार का माइटोसिस ही है। ठीक है, सो क्लीवेज और ब्लास्टुला से जाता है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, क्लीवेज होता है एंड ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज एंड ब्लास्टुला फॉर्मेशन। उसके बाद अगर अपन बात करें ब्लास्टुला फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टुलेशन के बाद आता है आपका गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुला के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ब्लास्टुला
ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी हम आगे जब पढ़ते जाएंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ब्लास्टुला का निर्माण होता है और इसको हम ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। फिर ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है गैस्ट्रुला का निर्माण करना। गैस्ट्रुला का निर्माण होता है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद जब गैस्ट्रुलेशन हो गया तो शरीर में ऑर्गन्स बनना चाहिए ना, शरीर में ऑर्गन होंगे तभी तो शरीर में हाथ पैर सर ये सारी चीज़ें अलग अलग हों, ऑर्गन्स बनना चाहिए। तो जब ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। और जब ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है तब एक इंडिविजुअल तैयार होता है, एंड इसके बर्थ हो जाती है, बर्थ हो गई, ठीक है। बर्थ हो गई पर यहाँ पे डेवलपमेंट की स्टेजेस रुकी नहीं, बर्थ होने के बाद भी डेवलपमेंट की स्टेज नहीं रुकती। बर्थ होने के बाद होता है मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि उसका बड़ा होना, ठीक। बर्थ होने के बाद की भी प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस, एंड देन उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म का गैमेटिकली या फिर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना, जहाँ पे वो गैमेटोजेनेसिस कर सके, गैमेट का फॉर्मेशन कर सके। तो सबसे लास्ट स्टेप होगा गैमेटोजेनेसिस। आई होप सबसे नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा गैमेटोजेनेसिस। सो ये सात स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, देन उस जाइगोट का क्लीवेज होता है, कट किया जाता है, एक से अधिक सेल बनाए जाते हैं, एक से दो, दो से चार, आठ, सोलह, बत्तीस, ऐसे करके सेल का जो है डिवीजन होता रहता है। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीवेजेस होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोसीन का फॉर्मेशन होता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। गैस्ट्रुलेशन होता है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन ऑर्गेनोजेनेसिस के बीच का जो पीरियड है कि किस मंथ में कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लिख करके स्टडी करेंगे। देन बर्थ होने के बाद भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस करते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब अगर लार्वल स्टेज मौजूद है तो लार्वा से एडल्ट बनना भी एक काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, या प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करें या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करें, तो अलग अलग टाइप के मेटामॉर्फोसिस है। उसके अलावा गैमेटोजेनेसिस भी, जो भी ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है वो एडल्ट होने के बाद, बड़ा होने के बाद खुद गैमेट का प्रोडक्शन कर पा रहा है कि नहीं, ये भी डेवलपमेंट के एक पार्ट का या डेवलपमेंटल फेज का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, जहाँ पे हम डेवलपमेंट को अगर पढ़ना है तो ये पूरी स्टेज एक एक करके हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस भी हम पढ़ेंगे, ओजेनेसिस पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवा का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जाइगोट कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी है। डेवलपमेंट की अगर फिर अब हम यहाँ पर बात करें तो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस बाई विच अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है एक सिंगल सेल के जाइगोट से, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट, एक सेल के जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये होता है आपका टोटल डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब यहाँ पे पांच स्टेप्स जो है या पांच प्रोसेसेस हैं जो इस डेवलपमेंट में आते हैं। ये तो स्टेजेस हो गए डेवलपमेंट। अब प्रोसेसेस की बात करें, प्रोसेसेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन जैसे कि क्लीवेज जो होता है,
फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लीवेज हुआ, ब्लास्टुलेशन हुआ, गैस्टुलेशन हुआ, ये सब क्या एक तरह का सेल डिवीजन है। सेल की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें जो आएगा पांच में, पहला प्रोसेस आएगा वो होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नहीं होगा तो डेवलपमेंट की हम बात नहीं कर सकते। सेल डिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल ज़्यादा होंगे तब तो साइज ज़्यादा। सेल डिवीजन के बाद बात आती है ग्रोथ। तो सेल डिवीजन में हो गया इंक्रीज इन नंबर, ग्रोथ हो गया इंक्रीज इन साइज, ठीक है। सेल डिवीजन मतलब हो गया इंक्रीज इन नंबर एंड ग्रोथ हो गया इंक्रीज इन साइज। थर्ड पार्ट आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की बात करें तो जब हमारा जायगोट मैच्योर होता है उसके बाद उसके अंदर जो स्टेम सेल पाए जाते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स में। तो ये डिफरेंशिएशन जरूरी है ताकि जो हमारा सिंगल सेल है वो एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। उस सिंगल सेल से हमारे शरीर के अलग अलग टाइप के सेल बनाने, हमें अलग अलग टाइप के सेल चाहिए ना, हमें मसल सेल चाहिए, हमें हार्ट के सेल चाहिए, हमें नर्वस सेल चाहिए, हमें रीनल सेल चाहिए, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हमें चाहिए। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स कहाँ से आएंगे, डिफरेंशिएशन से ही आएंगे। मतलब एक सेल डिफरेंशिएट होके अलग अलग सेल में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे आता है स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आता है टोटिपोटेंसी, वहाँ पे आता है प्लूरिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट, इसको भी हम चल के आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है पैटर्न फॉर्मेशन। डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन होने के बाद जब अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज सेल बन गए उसके बाद उन सेल को कैसे एक पैटर्न में अरेंज किया जाए ताकि वो एक ऑर्गन का फॉर्म ले। हिपेटोसाइट सेल्स हैं, अगर वो एक पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे तो क्या वो कभी लिवर बना पाएंगे। कार्डियक सेल्स जो हैं वो अगर एक पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे तो क्या वो कभी हार्ट बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पैटर्न फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। पैटर्न फॉर्मेशन से बॉडी प्लानिंग होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है प्लान होता है, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स प्लान होते हैं। और उसके बाद बात आती है मॉर्फोजेनेसिस की, मतलब जनरेशन ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइनली बात आती है बॉडी की मॉर्फोलॉजी डिसाइड करने की, जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब बॉडी का शेप या स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहेगा, यह हम मॉर्फोजेनेसिस में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट के स्टेजेस एंड डेवलपमेंट में प्रोसेसेस। ये डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये है डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस, ओके। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आज का जो वीडियो था वो पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी था। इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, क्या कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनकी मदद से एक सेल जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करता है और ग्रो करता है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को या जायगोट के डेवलपमेंट को, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब वैसे फैक्टर्स जो कि बाहर से आए हैं या वैसे फैक्टर्स जो शरीर के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। और शरीर के अंदर की बात करें दैट मीन्स मदर का शरीर, क्योंकि वहीं पे एम्ब्रायो जो है वो डेवलप हो रहा है मदर के वोम्ब में, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो लाइट, टेम्परेचर, रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ दैट एम्ब्रायो। और इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो कई प्रकार के केमिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैटरनल हार्मोन्स, मदर के अंदर जो हार्मोन्स की डेवलपमेंट हो रही है, या फिर मदर अगर कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रही है, या मदर जो है निकोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रही है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकती हैं। आइदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव वे में जो है प्रभावित कर सकती है, ठीक है। सो मैक्सिमम अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस हो रही है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि शरीर के लिए सही नहीं है, ऑब्वियसली बात है वो उस एम्ब्रायो के लिए भी शरीर सही नहीं होगा, बिकॉज मदर की बॉडी से ही न्यूट्रिशन जो है एम्ब्रायो को मिलता है। और मदर की बॉडी में जितनी अच्छी मात्रा में जितना क्वालिटी न्यूट्रिशन होगा उतना ही क्वालिटी न्यूट्रिशन जो है एम्ब्रायो को प्राप्त होगा और उसकी डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी,
ठीक। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ही कुछ प्रोसेसेस, कुछ टॉपिक्स उनको हम पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए, प्रीवियस वीडियो भी आप एक्सप्लोर करते जाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।